अपनी पोजीशन वाजह करें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने कौमी सलामती के फोरम को सियासत में घसीटा और अपोजिशन को गद्दार कहा, इसका जवाब सामने आना ज़रूरी है ताकि हम भी जवाब दे सकें। समा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं मगर इमरान खान धांधली पर तुले हैं। हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं। ये शख्स धांधली करने पे जिद कर रहा है। उसने एक तरफा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास किया, ये इलेक्शन कमीशन के पर काटे हैं, ईवीएम्स के जो निज़ाम लेकर आए हैं, आरटीएस प्लस हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं। बस एक शर्त के इलेक्शंस होंगे, सिलेक्शंस नहीं। हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी फोरम जिस पे जो इजलास हुआ, खान साहब ने अपना सियासत के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए हमारा उस फोरम को मुतनाज़ा बनाया। तो खान साहब उस मीटिंग को इस तरीके से पेश कर रहा है कि सारे के सारे अपोजिशन के मेंबर्स किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा है और उसकी वजह से हम गद्दार हैं। तो उसका जवाब सामने आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम भी अपना अप्रोप्रिएट जवाब फिर दे सकें। जो दूसरे लोग मीटिंग इस मीटिंग में थे उस बात को क्लैरिफाई करें। दूसरे लोगों से मुराद कौन बात करें? हमारा अस्करी की आदत के जो भी मौजूद उस मीटिंग में थे, अदालत ने खुद नजरिया इतने जरूरी है तो दफन कर दिया है और उम्मीद है कि वो अब फिर से उसको जिंदा नहीं करेंगे। Also appeal that the court immediately give us a decision on the actions taken on the 3rd of April, the unconstitutional actions. अगर हम गद्दार हैं तो हमें तख्तेदार पर लटका दे। वो जो वाहिद रास्ता है वो ये है, इस केस के जमहूरी और आईनी फैसला आए जो पार्लियामेंट का इज्जत